चिन्नी भिन्नी तो एग्जाम्स में फेल होती होंगी ना? क्या कम ऑन, आप तो हर बात पर सीरियस हो जाती है और आपको हर बात मजाक लगती है। देखिए, मेरी इस हंसी के पीछे एक बहुत ही समझदार इंसान छुपा है जो ये देख सकता है कि आपके इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा है और जिसे आप इतनी हिम्मत से हैंडल करती आई हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। आप हंसती तो है लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए हंसती तो चिन्नी भिन्नी आपको देखकर हंसते और आने वाली खुशियों के लिए गुजरा हुआ दर्द भुलाना पड़ता है। मैं अपनी आने वाली खुशियां रोज देखती हूँ चिन्नी भिन्नी की आंखों में, जब वो मुझे मामा कहते हैं, जब वो बाकी घर वालों से इतने प्यार से बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां कैसे ढूंढते हैं कि मैंने उनसे सीखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी खुशियां हमेशा मेरे पास रहेंगी। मैं चलती हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस चिन्नी और बिन्नी, आप लोग न्यू एडमिशन हैं। वेलकम टू योर न्यू स्कूल। थैंक यू। आई कैन अश्योर यू कि यहाँ आपके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और रिक्रिएशन सेंटर भी है। दैट्स अमेजिंग। मैं बस ये चाहती हूँ कि दोनों बच्चे स्कूल में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये दोनों आसानी से सबके साथ घुल मिल जाएंगी। मिस सिंह को भेजना, वो बच्चों को उनकी क्लास दिखाएंगी। यहाँ बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पर बच्चों की जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की भी होती है। तो माँ बाप होने के नाते आप दोनों प्लीज। मैं इनकी माँ हूँ लेकिन ये इनके फादर नहीं है, ये बस हमारे साथ स्कूल देखने आए हैं। ओह, आई एम सॉरी। और नहीं तो क्या, और किस एंगल से मैं आपको दो बच्चों का बाप लगता हूँ? चलो मेरा तो ठीक है, ये किस एंगल से दो बच्चों की? हेलो किड्स, कम ऑन किड्स, मैं आपको अपनी क्लास दिखाती हूँ, ठीक है? चलो। पापा आते तो अच्छा होता। हाँ। पर आपके पास? वो मामा तो है ना आपके पास, लेकिन अच्छा आप लोग जल्दी से अपनी क्लास में जाओ एंड शाम को ना हम घूमने चलेंगे, ओके? ये। गुड लक। बाय। बाय।